हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँ। आज का वीडियो में मेरे भी कोई भी एक प्लास्टिक पार्ट मिलेगा, कहीं भी आप काम करोगे आपको अलग से कोई भी प्लास्टिक पार्ट मिलेगा। तो उस प्लास्टिक पार्ट की आप उसकी पार्ट साइज कैसे निकालोगे, उस प्लास्टिक पार्ट को जैसे हम मोल्ड डिजाइन करेंगे, कोई पार्ट आपके पास आया तो उस पार्ट को कैसे एनालाइज करोगे, इसमें क्या डिफॉल्ट फॉल्ट आ सकती है, क्या प्रॉब्लम है। अब ऐसे तो आप मोल्ड स्टार्ट नहीं कर पाओगे ना, हर पार्ट को हम एनालाइज करेंगे कि पार्ट ओके है, किस मटेरियल का हम बना रहे हैं, क्या क्या चीजें देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे चीजें जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में पार्ट साइज निकालना सिखाऊंगा आपको, इसकी वॉल थिकनेस कैसा होना चाहिए। हर प्लास्टिक के अलग अलग वॉल थिकनेस होते हैं, जैसे मैंने आपको एक और वीडियो में दिखाया था कि अगर हम एबीएस लेते हैं तो एबीएस में क्या होना चाहिए, 0.8 से लेके 3.2 इसकी थिकनेस होती है हर एबीएस की, तो इतने रेंज में होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर मान लो मैं पीपी में बना रहा हूँ तो पीपी में क्या होती है, 0.6 से लेके 7.6 तो इसका होना चाहिए। जैसे मेरा यार पार्ट है तो पीपी में है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, क्या होना चाहिए, उसका हम पार्टिंग कैसे डिफाइन करोगे। तो हर एक प्लास्टिक पार्ट का पार्टिंग हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एनालाइज करोगे पार्टिंग। अगर आपके पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो तो उसकी पार्टिंग कैसे डिफाइन करोगे, है ना। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, अलग अलग तरीका, अलग अलग कमांड लगा के सिखाऊंगा कैसे उसको, क्योंकि कभी कभी सॉफ्टवेयर एनएक्स आपको ऑटोमेटिकली डिफाइन करता है कि कैसे निकालना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। नेक्स्ट इसमें सिखाऊंगा आपको गेटिंग वगैरह कैसे डिफाइन करना है, ठीक है, गेट इजेक्शन वगैरह कैसे निकालना है, रनर वगैरह कैसे निकालना होगा, तो ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए, कितना ड्राफ्ट होना चाहिए, आप कौन सी ड्राफ्ट चलाओगे। क्योंकि अब कभी कभी क्या होता है आपको सीएनसी की टाइम बचाना होती है, तो उस केस में आप ड्राफ्ट वगैरह कैसे डिफाइन करना है, कहाँ पे कटर कौन सी चलनी है, तो सारा चीजें चलाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा पीपी लिखा हुआ है, तो एक्चुअली हम किस कुछ जो मेटल होती है, जैसे हम लिख के देते हैं उसमें हम पॉइंटर चलाते हैं, कभी कभी हम एनग्रेविंग करते हैं, वो आपको डिपेंड करना पड़ेगा। सारे जो चीजें हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी मेरा पीस आता है तो पीस को हमको देखना होता है, मेरा पीस कितना बड़ा है और पीस पीस में मेरा क्या है। जैसे हमने ये पीस बनाया था इसको, तो मेरा इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो मैं सबसे पहले जो है पार्ट दिखूंगा। पार्ट दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको बाउंड्री बॉडी देखना पड़ेगा, ठीक है। बाउंड्री बॉडी आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे सर्च करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बाउंड्री बॉडी करूंगा इसमें, तो बाउंड्री बॉडी करोगे इसको आपको 0-0 रखना है और यहाँ पे आपको फेस की जगह बॉडी सिलेक्ट करना है। तो जैसे देख रहे हो आप, मेरा जो पार्ट है 100x329 है और 22 mm हाइट में है, तो पार्ट मेरा बहुत ही बड़ा है, तो इसको मैक्सिमम मैं 2 KBT में बना सकता हूँ या 1 KBT में बना सकता हूँ। और आपको ये भी देखना है आपके पास जो मशीन है वो कितना तनेज की है और उसकी बेड साइज क्या है, मतलब जो मशीन है मेरा उसके साइज क्या है, कि 300x300 है, 400x400 है, जो भी साइज है वो आपको उसको निकालना होगा। या अगर आपको साइज नहीं पता तो इसकी आपको क्लैंपिंग फोर्स निकालना पड़ेगा, मशीन की तनेज निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो दिखा दूंगा, क्योंकि इस वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी अलग फॉर्मूला होती है, हम हर एक मोल बनाते हैं तो मेरे पास जो भी मशीन अवेलेबिलिटी होती है तो पहले मैं मशीन की साइज निकाल लेता हूँ, मेरे पास सारा लिस्ट चार्ट होता है तो वहां पे मैं देख लेता हूँ मैं कौन सी कितना टन में ये बनेगा। क्योंकि कोई भी पार्ट मिलेगा उसकी आप DFM बनाते हो, DFM में सारा चीजें मेंशन करना पड़ेगा आपको, कितना टन में चलेगा, क्या मशीन अवेलेबिलिटी है, तो हम वो चीजें पहले डिफाइन करेंगे आपको। तो पहले तो आपकी जो मोल साइज होगा उसके अकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मोल मेरा इतने इतना साइज में बन रहा है तो इतने इतने मेरे टनेज में चलेगा, इतना बैच साइज आ रही है मेरे को, है ना। तो दूसरी चीज क्या होती है, आपको पार्ट से भी निकालना पड़ता है, जो फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन से करते हैं ना, वैसे भी निकालना पड़ता है। जो मेरा पेड क्लासेस होते हैं मैं वहां पे सारा चीज सिखाता हूँ, कैसे साइज निकालना चाहिए, कैसे क्लंपिंग करते हैं, DFM कैसे निकालोगे, हर एक पार्ट को कैसे डिफाइन करोगे। कभी एक मेरा स्टूडेंट था जिसने मेरे से पार्ट लेके आया, सर मेरे कंपनी में काम करना है, तो उसने मेरे को पार्ट दे दिया। आपको पता होगा जिसके बारे में बोल रहा, ऑलरेडी वो वीडियो देख रहा होगा, तो उसने मेरा पार्ट दे दिया, मैंने पार्ट में गलती निकाल दिया, पार्ट ऐसे लेगा नहीं, यहाँ पे कतर नहीं घुस पाएगी, तो सारी चीजें प्रॉब्लम होगी। तो फिर पार्ट में मॉडिफिकेशन हुआ, रिवीजन हुआ पार्ट में, थोड़ा लंबा चला, तो वो भी चीजें आपको डिफाइन करना होता है। एज ए मोल्ड डिजाइनर आपको सारा चीजें पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम पार्ट साइज निकाल दिया, मेरा कितना कितना पार्ट साइज है, तो मैंने पार्ट देख लिया। पार्ट के आपको क्या पता लग गई, पार्ट देख के आपको पता लग जाएगा कितना केविटी में, 2 KBT है या 4 KBT है, वो आपको पता लग गई, या सिंगल केविटी बनाना नहीं है, और मोल की तनेज क्या होगा आपको पता लग गया। पहली क्वेश्चन क्लियर होगी। नेक्स्ट आते हैं हम इसकी वॉल थिकनेस निकालेंगे, जो मेरा पार्ट है इसकी वॉल थिकनेस क्या है और कौन सी मेटेरियल है। तो यहाँ पे हम मेटेरियल जो है पीपी में है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, ले ही लिखना है, अगर मान लो आपको एंगबोजिंग है कि आपको बाहर से उभरा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलता है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा इस तरीके से नहीं लिखता हूँ, मैं जो लिखता हूँ आपको यहाँ पे अल्फाबेट से टेक्स्ट से लिखता हूँ, टेक्स्ट बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो भी मेरा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मॉडर्न लेना है, ठीक है। तो आपको ये मॉडर्न लेना है, इसमें लेके जो भी आपको साइज देना है आप अपने अकॉर्डिंग इसको लेके पॉइंटर चल जाता है, आपको जैसे भी लिखना होगा ABCD,
तो वहां पे पॉइंटर जो टूल होती है उसमें से आपका टेक्सिंग वगैरह जो भी नाम वगैरह होगा वो लिखेंगे। कभी कभी लिखना पड़ता है कि लार्ज साइल है, कभी कभी लेफ्ट होता है, जैसे यहाँ पे स्मॉल लिखा हो, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसको मैं उल्टा साइड लिखूंगा और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, सर प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। अगर कोई भी बंदा यहाँ पे टूल रूम से है, जो ऑलरेडी टूल रूम में काम करते हैं उसको पता होगा, और जो लोग टूल रूम में है वहां पे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना बोल देना कि हाँ सर मैं टूल रूम से हूँ, ठीक है, तो उसको पता हो जाएगा कि हाँ ऐसे बनाना है। तो नेक्स्ट चीजें जो मेरा होती है, मेरा वॉल थिकनेस निकालना है, तो मैंने आपको बता दिया ये सारा होती है। कभी कभी आपको डेड इंसर्ट डालना होती है, अभी ये सब डेड इंसर्ट हो गई है ना, ये सब चीजें बड़ी बड़ी कंपनी में बनती है। क्योंकि क्यों बनती है डेड इंसर्ट, अब क्या होती है इसके लिए अलग से अलग वीडियो चाहिए, मैं बता दूंगा। 250, 300, 500, 600 रुपए का आती है, अलग अलग साइज का अलग अलग प्राइस है। तो इसमें क्या होता है, कभी आप पार्ट बनाते हो, जैसे मेरा यह पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट में मेरा कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे मान लो मेरा इस महीने का कुछ मेरा पार्ट में इशू हो गई, तो मैं सारा जो देखूंगा डेट इंसर्ट में, कौन सी डेट का बनाया हुआ है, कौन सी महीने का, कौन सी ईयर का है, तो वो महीने का पार्ट को मैं होल्ड कर दूंगा, उसको मैं रीसेक करवा सकता हूँ। तो इसलिए बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वहां पे डेट इंसर्ट डालते हैं, ठीक है। कोई कोई बड़ी बड़ी पीठ में तो कैलेंडर लगाते हैं, है ना, तो वो इस तरीके से आपको देखना होता है कौन सी पार्ट है, वो भी डिफाइन करना पड़ता है। जैसे ये पास है, पीपी है, रिसाइकल कोड F5 इसकी, ठीक है, साइज क्या है, स्मॉल लार्ज है, लेफ्ट है, राइट साइड का है, लेफ्ट साइड का है, वो भी आपको डालना पड़ता है। खैर वो सब चीजें भी होती है, तो जैसे पार्ट है उस अकॉर्डिंग मैंने आपको दिखा दिया हो। नेक्स्ट मेरा जो आएगी इसकी वॉल थिकनेस मेरे को डिफाइन करना है। तो वॉल थिकनेस डिफाइन करने के लिए आपको एक कमांड दूंगा मैं, यहाँ पे जाना है आपको एनालिसिस में जाना है, जाके आपको मॉडलेट पार्ट में आपको यहाँ पे जो है आपको वॉल थिकनेस मिल जाएगा। अभी बेसिकली मैंने यहाँ पे कस्टमाइज कर रखा हूँ, आपको नहीं मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे भी सर्च करते हैं वॉल थिकनेस, तो शेक वॉल थिकनेस में जाना है आपको। तो सबसे पहले वॉल थिकनेस डिफाइन करने से पहले आपको क्या करना है, एसआई मेथड करना है, ठीक है, एसआई मेथड करना मत बोलना दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे टूल में, टूल में जाके इसको एसएन मेटल कर लूंगा। जब अब एसएन मेटल करोगे तो मेरा यहाँ जो पीपी है तो मैं यहाँ पे पीपी लूंगा। पीपी में भी बहुत लोग ग्लास पेपर वगैरह यूज करते हैं ना, तो मैं यहाँ पे पॉलीप्रोपिलीन लूंगा सिंपल वाली, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके, या सॉलिड बॉडी भी ले सकते हो वैसे होते मिलकर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पीपी ले लिया। अब मैं होम पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके मैं वॉल थिकनेस चेक करूंगा। कभी भी मोल्ड डिजाइन करने से पहले ये सारा चीजें करके हमेशा देखना है, अगर नहीं देखोगे वो आपकी फॉल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 7.8। तो मैंने आपको कितना बताया था पीपी का, जो मेरे पीपी है उसकी कितना होना चाहिए, 0.6 से लेके 7. कितना होना चाहिए, 6 ना, तो 7.6 के अराउंड होना चाहिए। तो 0.2 का है, चल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको जो है एनालाइज कर देते हैं, जो मेरा पार्ट होगा इसको हम एनालाइज कर देंगे, क्या दिक्कत आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, इसको हम एनालाइज करेंगे। तो जैसे आपकी पार्ट है तो कभी कभी किस चीज में इशू भी हो सकता है, तो आपको देखना होता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरीके से हम देखेंगे इसको। तो दोस्तों इसको हम एक बार एनालाइज करके दिखा देते हैं आपको कैसे करना है। तो पार्ट को सिलेक्ट करना है, जो भी पार्ट है तो हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पेसिंग वगैरह जो भी होगा, जो भी पार्ट है आप उसको देख लेना, कितने पार्ट का है, कितना एक एक रिब जो बॉस है मैक्सिमम थिकनेस कितना है, तो उस अकॉर्डिंग ये जो है सारा चीजें कैलकुलेट कर लेगा। क्योंकि इसमें मेरा बहुत सरफेस है, आप देख रहे हो कितना सरफेस है, कितना रिब बॉस वगैरह है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको पार्ट की एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ पे स्ट्रिंग हो सकती है, कहाँ पे वर्क पेज वगैरह आ सकती है ना, तो वहां पे आपको देख लेंगे कैसे कैसा पता हो रहा है, पार्टिंग मतलब पार्ट ओके होगा कि नहीं, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कूलिंग मेरा कैसा बनना, सारा चीजें जो है वॉल थिकनेस डिफाइन करेगा आपको, ठीक है। तो दूसरी चीज जो है वॉल थिकनेस के अकॉर्डिंग आपको गेट भी डिफाइन हो सकता है ना, क्योंकि कहाँ पे मेरा वॉल थिकनेस ज्यादा है, कहाँ कम है, उस अकॉर्डिंग आप गेट भी डिफाइन कर सकते हो। तो पता होंगे जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदा जो देख रहे हैं यहाँ पे उसको पता होंगे। तो इस तरीके से हम सारे पार्ट को जो है एनालाइज करेंगे। तो अब इस वीडियो में बहुत चीजें आऊंगा, क्योंकि कभी कभी मैंने आपको सर डिस्कस किया था, जो भी मेरा पार्ट डिफाइन किया था उसमें, जैसे पहले मेरे वीडियो में हर एक जो प्लास्टिक पार्ट है उसकी कितना लिमिट होना चाहिए, मेटल कौन सी डिफाइन करना चाहिए, कितना लिमिट होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया एबीएस का 0.8 से लेकर 3.2 होती है, पीपी का 0.6 लेकर 7.6 होती है, कैसा होना चाहिए, रिप की कैलकुलेशन क्या होती है, बॉस की कैलकुलेशन क्या होती है, गैसेट की क्या होती है, ड्राफ्ट क्या होती है, रेडियस क्या होती है, हर एक चीज। इनर रेडियस होगा तो कितना होगा, 2 mm की थिकनेस है उसका इनर रेडियस कितना होना चाहिए, आउटर रेडियस कितना होना है, सारा कैलकुलेशन में दे रखा हूँ। वो आप खत्म करो ना, उसके बाद में आपको और एडवांस सिखाऊंगा। जैसे हम कोई भी पार्ट डिजाइन करते हैं, क्या डालते हैं पार्ट डिजाइन में, पार्ट डिजाइन में हम क्या डालते हैं, इसको फिर आने दो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पार्ट डिजाइन में हम डालते हैं ना, कैसे फिटिंग डालते हैं, एक पार्ट को असेंबली में दूसरा पार्ट को फिटिंग करते हैं, स्नैप फिट लगाते हैं, बॉस लगाते हैं, नीचे से स्क्रू लगाते हैं, क्या होते हैं स्नैप फिट, क्या होते हैं बॉस, बॉस तो मैंने सोलो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, वहां पे जाके आपको पता लग जाएगा
क्या स्नैपपिट होता क्या है, कितना टाइप का स्नैपपिट होता है, एंगुलर स्नैपपिट क्या होती है, कैंटिलीवर स्नैपपिट क्या होती है, टॉर्जनल स्नैपपिट क्या होता है, डॉग हाउस क्या होती है, डॉग हाउस क्यों लगाते हैं, पर इतना पार्ट डिजाइन सीखो ना, ये सब सीखोगे तभी तो आपको अच्छा लेवल में जॉब मिलेगा। ठीक है, तो उस लेवल में आपको सीखना है। ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत सीख के ऐसे बहुत मास्टर मिल जाएगा यूट्यूब में, दो तीन वीडियो देख कर अपने आपको बहुत बड़ा समझ लेते हैं, तो उस लेवल में सीखो ना। अगर मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने लग जाऊंगा ना तो बहुत कुछ सीरियस हो आपको पता नहीं है अभी भी। ठीक है, क्योंकि दूर से जो देखते हैं ना अच्छा लगती है, बात नजदीक जाने के बाद पता लगता है। तो दोबारा ऐसा चीजें सीखो, अगर आपके कोई भी आप फिटिंग लगा रहे हो वहां पे डिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्लेक्शन निकालना है मेरे को, एक फिट मैंने बना दिया, चलो मैंने यहाँ पे कोई पार्ट है असेंबली है, यहाँ पे मैंने स्टेप फिट लगा दिया, तो वहां पे मेरे को डिफ्लेक्शन निकालना है, स्नैप फिट यह है नीचे से फिट हुआ है ना, स्नैप फिट लगाओगे वहां पर लिफ्टर भी चलता है, पता होगा आपको जो भी ऑलरेडी काम कर रहा है। तो क्या होती है, क्या होता क्या, स्नैप डिफ्लेक्शन कैसे निकालूंगा, क्या होती है y इक्वल टू 1.09 ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच, क्या होती है फॉर्मूला, कहाँ लगती है बताई नहीं है बहुत लोगों को। अगर मैं बोलूँगा चलो मुझे फोर्स लगनी है, कितना फोर्स लगती है मेरा प्लास्टिक में, मान लो मैं एबीएस में बना रहा हूँ है ना, मुझे फोर्स निकालनी है कोई भी फिटिंग का, स्नैप फिट लगा रहा हूँ, एफ इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI, क्या होती है किसी को पता ही नहीं है, चलो किसी को नहीं, बहुत बहुत लोगों को पता होगा जो 6-7 साल एक्सपीरियंस में कंपनी में काम किया है, जो प्रोडक्ट डिजाइन में काम किया है, जो मोल्ड डिजाइन में काम किया है, उसको पता होंगे। तो वो सब चीजें सीखो ना, ऐसे थोड़ा बहुत सीखने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा अच्छे लेफ्ट क्वालिटी सीखो, कैलकुलेशन के साथ सीखो, कल कहीं पे इंटरव्यू जाओगे ना बड़ी कंपनी में है ना, बड़ी एमएनसी में कंपनी में जाओगे ना, एक एक प्रोजेक्ट आपको लीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे सारा चीज आपको बता होना चाहिए। चलो थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक सीखा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी सीखो सारा कैलकुलेशन से सीखो। ठीक है, तो ये होगी सारा चीजें, तो ये सब सीखो। अगर इसके ऊपर वीडियो बनानी है, वैसे मैं जो भी मेरा पेड क्लास होती है प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर, वो तो मैं सारी चीजें बताता हूँ, बना के भी दिखाता हूँ, कैसे स्नैप फिट होता है, कैलकुलेशन क्या होती है, कितना टाइप का होती है, डॉग हाउस क्यों लगाते हैं, कभी असेंबली में क्या करता है, पता होना चाहिए सारा चीजें आपको यार। एक्सप्रेशन डालते हैं, दो तुम हम कैसे किसी पार्ट को असेंबल करता है, बहुत चीजें होती है, बहुत चीजें होती है सब चीजें। थोड़ा कभी डिटेल में जाऊंगा, हर एक चीजें मैं यूट्यूब में नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि हर एक चीजें डालने के लिए ना मेरे पास ऑथोराइज नहीं है, किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ अंदर प्रोफाइल काम करना पड़ता है, आपको पता लग जाएगा। अगर आप जैसे 8-10 साल काम करोगे ना किसी कंपनी में, तो आपकी जो प्रोफाइल होती है ना वो सीक्रेट रखना, मतलब आपको मेंटेन करना पड़ता है, तो अगर किसी प्रोफाइल को आप शो नहीं कर पाते तो बहुत सी क्राइटेरिया होती है जो मैं यूट्यूब में नहीं डाल पाते, ये सब चीजें, तो वो सब चीजें जो है पेड क्लासेस में ही कवर हो पाती है, क्योंकि वो होती है थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होती है, तो आप ऐसे शो नहीं कर पाओगे। तो आपको पता लग गया है कि यहाँ पे मेरा जो है मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे रेड है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा पार्ट थिकनेस कम करना पड़ेगा, येलो इज ओके, ग्रीन इज ओके, ब्लू जो है यहाँ पे थोड़ा सा ड्राफ्ट, जहाँ पे ड्राफ्ट कम है जहाँ ड्राफ्ट नहीं यहाँ पर ब्लू आती है, तो इस तरीके से आप पार्ट की एनालाइज करोगे। तो यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे एक अलग सा बॉस है, तो इसकी वजह से यहाँ पे रेड आ रही है, यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है, तो इसको आप थिकनेस कम करोगे 0.2-0.3 कम करके देखो और बेहतर होगा, फिर आप उसको एनालाइज करो। तो इसी तरीके से हर एक पार्ट की जो है आप एनालाइज करोगे, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैं कोशिश करूंगा, अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं दो पार्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको निकालोगे उसकी वर्ड थिकनेस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेक्स्ट थर्ड मेरा जो टॉपिक आएगा, जो मेरे से पार्टिंग डिफाइन करूंगा, तो पार्टिंग कैसे डिफाइन करोगे, देखो पार्टिंग डिफाइन करने के लिए बहुत होती है, कोई कोई लोग जो होती है मोल बिजट यूज करते किसी कंपनी, तो वहां के लिए अलग फॉर्मूला होती है, अलग तरीके होते हैं। अगर कोई लोग होते हैं जिसके पास बस एनएक्स की ये लोग जो एनएक्स की और सरफेसिंग वगैरह की जो है लाइसेंस ले रखा है, उसके लिए मैं बताऊंगा, क्योंकि मोल बिजट बहुत लोग यूज नहीं करते हैं। जो लोग मोल बिजट में मैं सिखाता हूँ उन लोगों को मोल बिजट के तरीके से मैं सिखाता हूँ, जो लोग मैनुअल सिखाते हैं उसको मैं मैनुअल तरीके से सिखाता हूँ। ये जो मेरा पेड क्लास है, जो ऑलरेडी ले रखा है, जो वीडियो देख रहा है उसको पता होंगे, मेरा जो कॉन्टेंट होंगे उसको पता है मैं किस लेवल में कराता हूँ, जहाँ पे 12,000-16,000 सरफेस होती है ऐसे पार्ट में मैं कराता हूँ पूरी वीडियो, और कितना टफ होती है, वहाँ पे हैंग भी होती है अगर सिस्टम सही नहीं हो, तो उस लेवल में करवाता हूँ। खैर, तो मान लो ये मेरा पार्ट है ना, तो इसकी मेरे को निकालना है, तो इसके निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपको मिलेंगे, देखो यहाँ पे आप एनालिसिस में जाओगे, जाने के बाद आपको यहाँ पे जाओगे शेप में, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको स्लोप का, तो वहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, स्लोप मैंने यहाँ पे है नहीं, फिलहाल मैंने इसको यहाँ पे ले आया, मैं कस्टमाइज किया हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं स्लोप में जाऊंगा, स्लोप में जाने के बाद मेरा यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे जो आपको मिनिमम रखना है, मिनिमम जो है 0.5 रखना है, मैक्सिमम जो यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.0 रखना है, क्योंकि कोई भी प्लास्टिक का जो होते हैं रफ 0.5 से लेकर 3 डिग्री होती है, तो यहाँ पे -0.5 रखोगे, यहाँ पे प्लस में रखोगे, और फैक्टर हमेशा जो मोल्ड ओपनिंग होगा ना उस डायरेक्शन रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पार्ट को सिलेक्ट करूंगा, सारे पार्ट को मैं सिलेक्ट करा। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पे आपको पता लग जाएगा आपकी पार्टिंग कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लग गया आपकी पार्टिंग है कैसा, पार्टिंग
तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे साइड में आपको कैलेंडर आ जाएंगे, तो इधर में आपको सारा चीजें पता लग जाएगी, कहाँ है मेरा क्या नहीं है। तो पार्ट मेरा ओके है, कहीं प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पार्टिंग पता लग गई, यहाँ पे आपकी पार्टिंग हो गई है ना, इधर आपकी क्लोज करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सारा चीजें देखो, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपकी, तो इसको पार्टिंग आपको डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा पार्टिंग को। ठीक है, यहाँ पे येलो भी आ रही है, थोड़ा सा सॉरी ग्रीन भी आ रही है, ब्लू भी आ रही है ना, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। अब इस तरीके से कैसे डिफाइन करोगे, मान लो मैंने इसको सीधा खींच लिया, इधर सीधा खींच लिया, यहाँ पे मान लो मेरा स्ट्रेट हो गई, तो मेरा तो पार्टिंग तो यहाँ पे मान लो एज्यूम कर लो ये मेरा स्ट्रेट हो गई। अब यहाँ पे मैंने सीधा खींच लिया, यहाँ पे मेरा 90 में है, तो फाइव का तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, सीधा नीचे करने में दिक्कत आएगी। तो क्या करोगे फिर उस केस में, तो उस केस में क्या सोल्यूशन होगा वो सब भी बताता हूँ मेरा क्लासेस में। खैर, तो यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना। तो ये आपका तरीका हो गया निकालने का अलग से। अब दोस्तों हम इसमें आते हैं वॉल थिकनेस के ऊपर। ठीक है, कैसे हम जो है किसी पार्ट की वॉल थिकनेस निकालेंगे, तो वॉल थिकनेस तो मैं सॉरी मैंने वॉल थिकनेस बता दिया, अभी हम करेंगे ड्राफ्ट एनालिसिस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेरा हो गया ड्राफ्ट एनालिसिस। तो एक तरीका मैं आपको बढ़िया सा तरीका दे रहा हूँ आपको सीखने के लिए। ठीक है, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, सारे पार्ट को, फेस को सारे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पे तरीका सीख लेना, बहुत काम आएगा आपको, बहुत काम आएगा ये सब तरीका मैं सिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे फैक्टर की जगह आपने ओरिएंटेशन करना है। ठीक है, ओरिएंटेशन करना, फैक्टर भी कर सकते हो आपकी मर्जी है। और यहाँ पे जो है क्या करना है, टपल लिमिट करना है, और यहाँ पे जो निगेटिव ग्राफ है शो आइसो इंक्लाइन करना है, और यहाँ पे एनालिसिस ऑब्जेक्ट के साथ आइसो इंक्लाइन उनको ऑन कर देना है। ठीक है, ये आपको करना है। अगर आप टेन यूज कर रहे हो तो आपको तो करना ही है, वहां पे तो मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, क्योंकि मैं 10 में भी सिखाते हो, 12 में भी सिखाते हो, मेरे पास 10 भी है, देखो यहाँ पे 12 भी है, सॉरी 19 भी है, और मेरे पास यहाँ पे 12 भी है, दोनों है मेरे पास। तो वहां पे आप देखोगे वो वाला कमांड मिलेगा नहीं, तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस मेरा बहुत है और थोड़ा सा एनालिस होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो एनालिस हो रहा है, तो मैं इसमें दिखाऊंगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो ये तरीका बहुत लोगों को नहीं बताऊंगा, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको कॉस्टिंग निकालना सीखना है, कैसे कॉस्टिंग निकालते हो, एक्सेल शीट में अगर फॉर्मूला डाल के निकालना हो, वो भी सिखा दूंगा मैं, वो भी काम करता हूँ। ठीक है, कभी कभी हम बहुत सारी कंपनी वाले काम करते हैं, तो हमको जो उसकी कॉस्टिंग होती है ना, बॉम्ब वगैरह निकल के देना पड़ता है। बॉम्ब अलग अलग होती है, अगर आप इंसर्ट से बना रहे हो, अगर आप कोर के बीच अलग बॉम्ब निकलती है, अब कोई आप कस्टमर मान लो मैं डीएमए का यूज कर रहा हूँ, तो डीएमए का मैं बनाऊंगा तो उसके अलग निकलेगा। मान लो मैं बहुत कुछ चीजें होती है ना, आपका जो मोल बेस का अलग कॉस्टिंग होती है, इंसर्ट का अलग कॉस्टिंग होती है, स्प्रू बूस अलग इसमें लगती है, अब लिमिट स्विच अलग लगती है, लॉक अलग लगती है, तो हर एक चीज का आपको कॉस्टिंग जो आप स्टैंडर्ड लेते हो, कहीं कहीं हम मिसुमी का लेते हैं, कहीं डीएमई का लेते हैं, तो जिसका भी लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉस्टिंग निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सीखना है वो भी सिखाता हूँ। वो मतलब जो पेड क्लास होती है वहाँ भी ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है, मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये सोशल प्लेटफॉर्म में हर एक चीज़ें आप शो नहीं कर पाते हो, पता होंगे आपकी बहुत सारे लिमिटेशन है, बहुत कुछ चीज़ें मुझे अंदर प्रोफाइल काम करना पड़ता है। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सरफेस बहुत है छोटी छोटी, तो टाइम लग रहा है। तो दोस्तों मेरा एनालिसिस जो है हो गया है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पार्टिंग देखो मेरा कैसे निकालना है, तो इसे जो है इस तरीके से निकालना है, तो इस तरीके से निकालूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आराम से मेरा रेडियस में आ रहा है, तो मैं इसको निकाल लूंगा। तो इसमें ये ही होता है किस तरीके से आपको निकालना है। और जो यहाँ पे लिमिट एंगल है ना 5 डिग्री है, तो इसको आप 0.5 भी कर सकते हो, यहाँ पे जो लिमिट एंगल होती है ना इसको 0.5 करके भी आप कर सकते हो, फिर आपको इसको दोबारा एनालाइज कर दो। तो लिमिट एंगल से आपकी मिनिमम जो लिमिट एंगल होगा ना 0.5 रखना है। ठीक है, ज्यादा मत रखो, ज्यादा रखने से आपको ही दिक्कत होगा। तो यहाँ पे आप जो है इस तरीके से आप इसकी पार्टिंग निकाल सकते हो। तो ये एक तरीका हो गई, पता लग गया आपको किस तरीके से निकालना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मैंने बहुत कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस किया, बहुत कुछ चीजें मैं आपको बताया कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है, क्योंकि आगे वाला इंडस्ट्री जो है बहुत धीरे धीरे टफ हो रहा है, जॉब वैकेंसी कम हो जा रही है, अच्छी जॉब में काम करना है तो आप उस लेवल में होना पड़ेगा। तो वही सब चीजें है, थोड़ा ध्यान रख के पढ़ो, अच्छे से करो, क्वालिटी एजुकेशन लो। ठीक है, पैसा एक बार आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्ट करोगे एक ही बार ही, तो अच्छे से इन्वेस्ट करो, सही जगह में इन्वेस्ट करो, अच्छे चीजें सीखो। ठीक है, और देखो जो लोग होते हैं ना फ्री, जिसके पास जो टाइम नहीं होती है, तो वही लोग ये होती है से आपको सिखा पाएंगे। खैर, अच्छे से करो, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।